प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। पीएम ने किसानों से लेकर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी, साथ ही मेक इन इंडिया की सफलता पर उठ रहे सवाल और रोजगार के मौके पैदा करने में विफलता को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। फेसबुक डेटा लीक को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ऐप नमो ऐप पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर गोरखपुर के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन शुरू किया और कन्या भोज भी कराया, साथ ही ट्विटर के जरिए समस्त देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। खबर है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे हजारे को गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का साथ मिल सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने मॉल एवेन्यू स्थित आवास पर प्रेसवार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला किया। प्रेसवार्ता में मायावती ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अभी भी भाजपा गलत काम करने से बाज नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। इस दौरान गोलीबारी में एक स्थानीय महिला भी जख्मी हो गई है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। आए दिन शमी और हसीन जहां दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच मोहम्मद शमी सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी जल्द ही हीरा कारोबारी रसेल मेहता की सबसे छोटी बेटी श्लोका मेहता से सगाई करने वाले हैं। इसके लिए प्री एंगेजमेंट सेरेमनी रखी गई थी। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक दोनों पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। डांस रियलिटी शो सुपरस्टार चैप्टर 2 को आखिरकार अपना विजेता मिल गया है। सुपर डांसर चैप्टर 2 की ट्रॉफी के साथ विशाल शर्मा को कई अन्य उपहार और 15 लाख रुपए की राशि इनाम में मिली। वहीं विशाल के मेंटर वैभव घुगे को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। बॉलीवुड के मशहूर और दिवंगत अभिनेता फारूक शेख का जन्मदिन है। जहां पूरा फिल्म जगत उन्हें याद कर रहा है, वहीं गूगल ने दिवंगत अभिनेता फारूक शेख को डूडल बनाकर उनके जन्मदिन पर याद किया।